क्या पूरा चाइना मुंह में डालेगा डायलॉग ने खड़ी की कंट्रोवर्सी। गंगूबाई काठियावाड़ी के ट्रेलर के इस डायलॉग को नेटिजंस ने बताया रेसिस्ट। क्या कैजुअल ह्यूमर के नाम पर फिर से बॉलीवुड ने रेसिज्म को किया प्रमोट। नेटिजंस ने ये भी पूछा, क्या संजय लीला भंसाली को अपनी फिल्म के लिए नहीं मिली कोई ट्रांस वुमन। आलिया भट्ट स्टारर गंगूबाई काठियावाड़ी का ट्रेलर जब से रिलीज हुआ है इसकी काफी तारीफ हो रही है। सोशल मीडिया पर आलिया भट्ट के परफॉर्मेंस और लार्जर देन लाइफ पोर्ट्रेयल को फैंस कर रहे हैं पसंद। लेकिन अब इस ट्रेलर के कुछ सीन्स को लेकर शुरू हो गई है कंट्रोवर्सी। दरअसल ट्रेलर के एक सीन में आलिया भट्ट डेंटिस्ट के पास जाती हैं और डेंटिस्ट उन्हें बार बार मुंह खोलने के लिए बोलता है, जिस पर आलिया भट्ट कहती नजर आती हैं, क्या पूरा चाइना मुंह में डालेगा क्या। और अब नेटिजंस को लगता है कि कैजुअल ह्यूमर के नाम पर रेसिज्म को प्रमोट किया गया है। एक यूजर ने लिखा, How racist is this? How can a prominent celebrity promote this kind of scene? He speaks Hindi and still she says like that. Ek dusre user ne likha, really liked the trailer of hashtag Gangubai Kathiawadi until the racist dialogue. Bollywood will never change. Ek aur user ne likha, pura China muh mein dalega kya? Of course. Because the dentist is Northeastern, so he is Chinese, right? Racism and xenophobia at its worst. Gangubai Kathiawadi. Ek user ne Sanjay Leela Bhansali ko question karte hue likha, Can someone tell Sanjay Leela Bhansali casual racism in the name of humor isn't funny? Never was, never is, never will be. Period. ट्रेलर के इस सीन ने खड़ी कर दी है बड़ी कंट्रोवर्सी। यही नहीं, फिल्म के ट्रेलर में विजय राज को एक ट्रांस वुमन के रोल में दिखाए जाने से लोगों को आपत्ति है। दरअसल यूजर्स का कहना है कि संजय लीला भंसाली इस कैरेक्टर के लिए किसी ट्रांस वुमन को ही साइन कर सकते थे और बॉलीवुड क्यों नहीं ट्रांस वुमन को देता है फिल्म में जगह। एक यूजर ने लिखा, यस, विजय राज नेल्ड गंगूबाई काठियावाड़ी ट्रेलर। But it's sad that Bhansali didn't cast a trans woman for this role. The film industry should stop casting CIS actors as trans characters. Will Bollywood ever learn? Ek dusre user ne likha, loved Gangubai Kathiawadi trailer and it looked very promising. But then again, another cis male is playing a trans role. I know Vijay Raj will do it good, but this is a pattern in Bollywood from a long time and maybe it's high time to change it. एक और यूजर ने लिखा, येट अनदर शेमलेस रॉबरी ऑफ ट्रांस रोल। द ओनली रोल्स ट्रांस पीपल गेट अस टू प्ले आर लाइक दिस वन एंड व्हेन सम सीआईएस पर्सन प्लेस ट्रांस रोल दे टेक अवे द ओनली अपॉर्चुनिटी। यानी नेटिजंस गंगूबाई काठियावाड़ी के इन दो एस्पेक्ट से खुश नहीं है, लेकिन फिल्म की टीम की तरफ से इन ऑब्जेक्शंस पर कोई रिएक्शन नहीं आया है। वैसे आलिया भट्ट रिसेंटली जब इस फिल्म के ट्रेलर लॉन्च पर नजर आई तो उन्होंने अपने इस रेट्रो लुक से सबको इम्प्रेस किया। आलिया भट्ट स्टंट इन एन आइवरी साड़ी, शी टीम्ड इट अप विद अ मैचिंग एम्ब्रॉयडर्ड ब्लाउज। आलिया भट्ट ने अपने इस लुक को कंप्लीट किया विद स्टेटमेंट इयररिंग्स एंड अ स्मॉल ब्लैक बिंदी। वहीं आलिया भट्ट के हेयर स्टाइल ने भी सबका ध्यान खींचा क्योंकि उन्होंने फ्रेश रोजेस को यूज किया एज एक्सेसरी। Well, ये फिल्म 90s के एरा में बेस्ड है, ऐसे में आलिया भट्ट ने इस रोल के लिए खुद को अच्छी तरह से ट्रांसफॉर्म किया है। वहीं आलिया भट्ट फिल्म के ट्रेलर को मिले रिस्पांस से काफी खुश हैं और उन्होंने अपनी एक पोस्ट में लिखा, चांद पे चार चांद लगा दिए आपके प्यार ने। साफ है आलिया भट्ट को अपनी इस फिल्म से है काफी उम्मीद। वी जस्ट होप ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल दिखाने में हो जाए कामयाब।